नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की न्यूज अपडेट के बारे में। तो आपके जो आपकी इंक्रीज वैकेंसी हुई थी, जो पोस्ट बढ़ी थी, उसका है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी चर्चा जानेंगे कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट की पहली वैकेंसी थी, आपके 5600 कुछ पद थे, उसको इंक्रीज करके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके अंदर इसमें पोस्ट को बढ़ाकर 18799 की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब जो रिवाइज इंक्रीज का नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आरआरबी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे है वो आपके 20682 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ सके कि किस प्रकार है वो, कब है इसका जो लिंक एक्टिव होगा और कब तक लिंक एक्टिव रहेगा, तो हमको किस प्रकार है वो जोन चेंज करना है, पूरी जानकारी माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आरआरबी अजमेर। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे गए गूगल क्रोम में, इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, उसको क्या कर देना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये हमने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर जैसे ओपन कर लिया आपके सामने, तो आप देख सकते हो इसमें एएलपी की जो अपडेट आती है वो कहाँ पे दी जाती है। तो ये आपका रहा CN01/2024 एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 4/7/2024 की डेट में है, जो आपका कोरिंडम नंबर पूरा जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी CN01/2024 के बारे में यहाँ पे जारी किया गया। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। या आप डाउनलोड करते हो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, CN01/2024 सहायक लोको पायलट एएलपी शुद्धि पत्र संख्या 1 सहायक लोको पायलट CN01/2024 के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों में वर्दी, जो वर्दी हुई है उसकी यहाँ पे जारी किया गया। और क्या क्या अपडेट दी है इसके बारे में पूरे वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम देने वाले सभी युवाओं तक ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। CN01/2024 के तहत एलपी पद की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए दिनांक 19/6/2024 के नोटिस के क्रम में समुदाय और श्रेणीवार विभिन्न पदों के साथ सभी आरआरपी की विस्तृत संशोधित रिक्तियों के सीएन संख्या 01/2024 संशोधित रिक्ति तालिका अनुलग्न बी के रूप में संलग्न किया गया है। CN01/2024 एलपी के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी, अन्य कोई भी जो शर्त है उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो आरआरबी अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वीरियता को संशोधित करे। मतलब आपने जो पहले आरआरबी चुन रखी है उसमें आप विकल्प वो चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जो केवल कितने दिन की अवधि तक रहेगा, 10 दिन की अवधि तक रहने वाला है। तो आप ये क्या कर सकते हो, 10 दिन तक इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की अधिक वेबसाइट शीघ्र ही लाइव हो जाएगी, जो केवल 10 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहे। तो नियमित रूप से आपको चेक करते रहना है। अभी आपको वीडियो में मैंने बताया था ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, आपको दिनांक 4/7/2024 अध्यक्ष रेलवे बोर्ड महत्वपूर्ण सूचना भी दी गई, दलालों से सावधान रहे। और हम देख लेते हैं इसका रिवाइज का नोटिफिकेशन। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ पे आरआरबी का, अलग अलग आपको दिया गया कि कौन कौन सी आरआरबी है, और आपके जोन दिया गया है, जोन में यूआर दिया गया है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसी और एक्स सर्विस मैन। तो यहाँ पे आपको जैसे हम एक का देख लेते हैं, अजमेर का एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यूआर की 314 पोस्ट हो गई है, एससी की 113, एसटी की आपके 56 और आपके 204, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 76 और टोटल 761 प्लस 77, ये अलग दी गई है। तो आप देख सकते हो इनका किस प्रकार है वो टोटल किया गया है। तो हम टोटल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपके ग्रैंड टोटल है वो आपके 8149 यूआर की है, ओबीसी की आपके 2735, एससी की आपके 1500, या आप देख सकते हो एससी एसटी के ऊपर जो आपके दिया गया यूआर एससी एसटी, उसके बाद ओबीसी दिया गया, तो एससी की कितनी आपके 2735, 1500 आपके 89/87 है वो आपकी किसकी है, एसटी की, और ओबीसी की 4538 है, और ये आपके ईडब्ल्यूएस की 1798, टोटल 18799 प्लस 1873, जो टोटल कितने होते हैं 20682 पोस्ट है
वो क्या की गई है यहाँ पे जारी की गई है असिस्टेंट लोको पायलट की। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसमें जो आपके तुरंत एक्टिव की जो अपडेट आएगी वो तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाए। तो आपको कम समय में क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट है उसका विकल्प है चुने सकते हो या संशोधन कर सकते हो। ये थी आपके साथ असिस्टेंट लोको पायलट की जो आपका संशोधन हुआ था, जो रिवाइज नोटिफिकेशन था जारी किया गया है ये।